ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट के अंदर तो धमाल मचा ही रहा है और अब ओला अपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स भी लेकर आने वाला है जिनको 15 अगस्त के दिन ओला ने शोकेस कर दिया है। तो कौन कौन सी मोटरसाइकिल आपको देखने को मिलने वाली हैं, किस सेगमेंट में होंगी, क्या कुछ खास होगा इन मोटरसाइकिल्स के अंदर, सभी जानकारी आपको मिलेगी हमारे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन और हम बात करने वाले हैं ओला की तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में। तो ओला इलेक्ट्रिक ने 4 मोटरसाइकिल कॉन्सेप्ट्स को शोकेस किया है, चारों ही अलग अलग कैटेगरी की मोटरसाइकिल्स हमें देखने को मिल रही हैं, जिसमें कि पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा एडवेंचर, दूसरा आपको मिल रहा है रोडस्टर, तीसरा है क्रूजर और चौथा है सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी। और इन चारों ही कैटेगरी के कॉन्सेप्ट को अनवील कर दिया गया जो कि दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब यहाँ पर हर एक कैटेगरी वाइज बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवेंचर कैटेगरी के अंदर आने वाली बाइक की। और अगर आप इसके हाफ बॉडी फ्रेम लोअर पार्ट को देखते हैं तो काफ़ी हद तक आपको ये रेडी नज़र आती है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट ही है लेकिन जो चीज़ें कंपनी इनमें लगा सकती थी वो सब फिट की गई हैं, जैसे कि आपको फ्रंट और रियर के अंदर स्पोक व्हील्स देखने को मिल रहे हैं, आगे 19 इंच का रखा गया है, पीछे 17 इंच का है ब्लॉक पैटर्न टायर्स के साथ में। और यहाँ पर डुअल डिस्क सेटअप आपको मिल रहा है, फ्रंट में USD सस्पेंशन नज़र आ रहे हैं, रियर के अंदर मोनोशोक होगा और इस इलेक्ट्रिक बाइक को चेन ड्राइव बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप मोटर की प्लेसमेंट देखते हो तो वो बिल्कुल सेंटर में नज़र आती है, हालांकि अपर बॉडी पार्ट अगर आप देखोगे तो वो दिखने में ही पता चल रहा है कि ये अभी कॉन्सेप्ट के अंदर है, इसके अंदर कुछ भी प्रोडक्शन रेडी नहीं है। और बात करें नेक्स्ट मोटरसाइकिल कैटेगरी की जो कि है रोडस्टर, ये भी काफ़ी हद तक आपको एडवेंचर की तरह ही प्रोडक्शन रेडी नज़र आएगी, हालांकि लोअर पार्ट्स ही आपको ज़्यादा प्रोडक्शन जैसे नज़र आते हैं, बाकी अपर पार्ट आपको कॉन्सेप्ट जैसा ही नज़र आएगा। रोडस्टर को भी यहाँ पर चेन ड्राइव सिस्टम के साथ में रखा गया है और इस मोटरसाइकिल के अंदर भी आपको फ्रंट और रियर दोनों ही व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक के साथ शोकेस किया गया है। फ्रंट में यहाँ भी आपको USD सस्पेंशन और रियर में मोनोशोक शोकेस किया गया है। इसके अलावा दिखने में ये कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। इसके बाद तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है क्रूज़र, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। ये क्रूज़र आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, हालांकि ये एक हाई एंड सेगमेंट जैसी मोटरसाइकिल नज़र आ रही है और जैसा आपने हार्ले की हाई एंड मोटरसाइकिल्स को देखा होगा उस तरह का कॉन्सेप्ट ये नज़र आ रहा है। और इस मोटरसाइकिल के अंदर सिर्फ एक सीट रखी गई है, यानी कि सिंगल राइडर के लिए ये क्रूज़र मोटरसाइकिल होने वाली है। जो फुटपैक वगैरह हैं वो भी सिर्फ राइडर के लिए प्लेस किए गए हैं, पिलियन का यहाँ पर कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। और काफ़ी वाइड ब्रॉड टायर्स यहाँ पर कंपनी ने लगाए हैं और इसको भी चेन ड्राइव सिस्टम के साथ में शोकेस किया है। लास्ट जो मॉडल शोकेस किया गया है वो है इनका सुपर स्पोर्ट्स, जिसको डायमंड हेड का नाम दिया गया और ये काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। इस मोटरसाइकिल के फ्रंट और रियर को अगर आप देखते हो तो ये काफ़ी अलग और यूनिक नज़र आता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। ये चारों ऐसी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हैं जो कि ओला जल्दी ही इंडियन मार्केट में लेकर आएगा और कंपनी का ऐसा कहना है कि 2024 के एंड तक कंपनी एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ज़रूर लेकर आएगी। तो देखना ये है कि ओला पहले कौन से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को इंडियन मार्केट में लॉन्च करता है। दिखने में ये चारों ही कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आते हैं, लेकिन इनकी कीमत मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है और ये प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट के अंदर ही लॉन्च होंगी। इनके बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऑटो जंक्शन पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।